तो भैया स्वागत है आप सबका अपने चैनल दी एवरेज राइडर पे। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं MT-15 वर्सेस ड्यूक 125, कौन सी बाइक बेहतर है ये मैं बताने वाला हूँ आज आपको। देखो, मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है इस टाइम कि कौन सी बाइक अच्छी है। पहले आंसर दे देता हूँ, मेरे हिसाब से MT-15 अच्छी है ड्यूक 125 से। शुरुआत करते हैं लुक्स से। लुक्स देखो भाई, पर्सनल प्रेफरेंस होता है। मुझे अगर लुक्स देख के बाइक लेनी होती तो मैं ड्यूक 125 लेता, MT नहीं लेता। ठीक है, अब आपके पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है कि आपको कौन सी बाइक अच्छी लगती है। MT भी दिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन वही अपना अपना टेस्ट है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट दोनों बाइक्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क 19-20 का है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन दोनों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो भैया अब बात करते हैं इंजन की। इंजन जो आपको ड्यूक में मिलता है वो मिलता है सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व्स लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड 184.7 cc, जो प्रोड्यूस करता है 14.5 PS 9500 RPM। और जो टॉर्क आपको मिलता है वो मिलता है 12 Nm 8000 RPM। जब MT की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड 155 cc का इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 18.5 PS 10000 RPM। और मैक्सिमम टॉर्क जो है इसका वो है 14.7 Nm टॉर्क। तो इंजन के मामले में MT-15 आगे है बहुत ज़्यादा ड्यूक 125 से। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसके इंजन परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जब परफॉर्मेंस जो है MT-15 का ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑफकोर्स ज़्यादा पावर है, ज़्यादा टॉर्क है। वाइब्रेशन MT में भी है, लेकिन उतने नहीं है जितने 8,500 पे ड्यूक 125 में। तो इंजन के मामले में MT ज़्यादा अच्छी साबित होती है। गेयरबॉक्स और क्लच की बात करते हैं, गेयरबॉक्स दोनों बाइक्स के अच्छे हैं, स्मूथ हैं, लेकिन ड्यूक 125 में मुझे एक दो बार फॉल्स न्यूट्रल हुए, तो वो चीज़ है। क्लच हैंड्स डाउन MT-15, क्योंकि आपको स्लीपर क्लच दे रखा है, हाईवे हो या ट्रैक हो या मतलब कुछ भी हो, स्लीपर क्लच ऑलवेज हेल्पफुल। फ्यूलिंग की बात करते हैं तो ड्यूक 125 की फीलिंग ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू MT-15। अगर आप कंपैरिजन करना चाहोगे तो 18-20 का फ़र्क है। अगर आप जैसे ही इनपुट देते हो ना थ्रॉटल को, ड्यूक 125 वैसे ही मतलब बिल्डअप करना शुरू कर देती है स्पीड। MT में थोड़ा सा मतलब 1 सेकेंड का मतलब लैग रहता है। राइड क्वालिटी की बात करते हैं, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्ले करता है वो पर्सनल प्रेफरेंस। देखो, जो राइड क्वालिटी है वो अच्छी है MT-15 की, अगर आप इंडियन रोड्स के हिसाब से देख रहे हो, क्योंकि जो पॉट होल है, स्पीड ब्रेकर है, उस पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आप उससे कम। लेकिन अगर आप ड्यूक 125 पे जाते हो तो वो जो सस्पेंशन सेटअप है वो स्टिफ है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। थोड़ी देर के बाद दूसरी होती है, लेकिन आप ज़्यादा देर तक अगर पॉट होल और गड्ढों वगैरह से निकलते हो तो दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे पास ड्यूक 200 है और मुझे पता है कि कितनी दिक्कत होती है। सस्पेंशन की जब बात छिड़ी गई है तो सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। आपको MT-15 में मिल जाता है सस्पेंशन टेलीस्कोपिक, और जो कि प्लस है, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आपको इजी होगा बाइक सिटी में चलाने के लिए। 125 की बात करते हैं तो उसमें आपको मिल जाता है अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं, तो वो स्टिफ है एज़ कम्पेयर टू MT-15। तो आपको स्टेबिलिटी जो है बाइक की वो बेहतर मिलेगी ड्यूक 125 पे एज़ कम्पेयर टू MT, क्योंकि जो सस्पेंशन सेटअप होता है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है बाइक की स्टेबिलिटी में और ब्रेकिंग में। तो वहाँ पे थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। देखो, दोनों सस्पेंशन सेटअप के अपने अपने प्लस निगेटिव्स हैं। सिटी के लिए आपको जो अच्छा सस्पेंशन मिलता है वो मिलता है MT में, और जो आपको ट्रैक और हाई स्पीड स्टेबिलिटी के लिए सस्पेंशन मिलता है वो आपको मिलता है ड्यूक 125 में। अब बात करते हैं सीट हाइट की। दोनों बाइक की सीट हाइट है वो सेम है, 810 mm 810 mm। सीट कंफर्ट भी दोनों बाइक्स का सेम है। जो कुशन यूज़ किया हुआ है दोनों में, ऐसा कुशन यूज़ किया है जो आपको ज़्यादा लॉन्ग राइड्स पे भी आराम दे। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, मीडियम है, तो वो लॉन्ग राइड्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। सीटिंग पोजीशन दोनों बाइक्स की अपराइट है। वेट जो है वो है MT का 138 kg, और ड्यूक 125 का है वो है 141 kg। जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है वो MT मिल जाता है 155, और जो ड्यूक में मिल जाता है वो मिल जाता है आपको 175। जो टायर की अगर हम बात करते हैं तो दोनों बाइक्स का टायर में फ़र्क आता है। जो आपको टायर साइज़ मिलता है वो ड्यूक में ज़्यादा बड़े टायर साइज़ मिलता है एज़ कम्पेयर टू MT-15, और जो रेफजी टायर मिलते हैं MRF के आपको ड्यूक 125 में, जो कि रेडियल टायर हैं। तो जो रेडियल टायर होते हैं उनकी ग्रिप ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू नाइलो ग्रिप। MT में आपको नाइलो ग्रिप के टायर मिलते हैं। ब्रेकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हैंड्स डाउन ड्यूक 125 की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको 300 फ्रंट डिस्क दे रखा है, वही 4 पिस्टन कैलिपर के साथ, और रेयर में आपको दे रखा है 230 mm का डिस्क ब्रेक। सिंगल चैनल ABS के साथ आती है ड्यूक 125। MT की बात करते हैं तो उसमें आप दे रखा है 282 mm का फ्रंट डिस्क, और रेयर में दे रखा है 220 mm का डिस्क। ये बाइक भी सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। अगर ब्रेकिंग की बात करें तो ड्यूक 125 की ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग है MT-15 से। टैंक साइज़ दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। MT में आपको मिलता है 10 लीटर का टैंक, और ड्यूक में मिल जाता है 10.5 लीटर का टैंक।
जो रेंज है वो ऑलमोस्ट सेम होने वाली है, क्योंकि 45-45 ऑलमोस्ट मतलब अप्रॉक्स माइलेज ये दोनों बाइक देने वाली है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ड्यूक 45 आपको थोड़ा सा ज़्यादा माइलेज निकाल के दे सकती है। अब इसमें मैं कोई कन्फर्मेशन नहीं दे सकता, इसमें मुझे कोड मत करना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। टॉप स्पीड की बात करते हैं, 0 to 100 की बात करते हैं, हैंड्स डाउन MT15 क्विकर है, फास्टर है हर चीज़ में, चाहे 0 to 100 हो चाहे टॉप स्पीड की बात हो। अब मुद्दे की बात आती है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पहले बोला कि कौन सी बाइक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। जो डिफरेंस है बहुत कम है दोनों बाइक्स में। MT आपको पड़ती है 1.39 लाख एक्स शोरूम की, और जो ड्यूक 125 है वो आपको पड़ती है 1.38 लाख की। जो डिफरेंस है वो 1000 रुपये का डिफरेंस है। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन आता है कि कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। देखो, अगर मुझे बाइक लेनी होती तो मैं लेता MT15, क्योंकि जो पावर है वो ज़्यादा है, देर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, दूसरी बात, अगर आप कंपेयर करते हो ओवरऑल मशीन को ड्यूक 125 से, तो परफॉर्मेंस में ज़्यादा अच्छी है, प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना ही है तो मैं एक ऐसी बाइक में करूँगा जिसमें पावर ज़्यादा हो। ब्रेकिंग का थोड़ा सा फ़र्क है, ब्रेकिंग मैंने बोला अच्छी है ड्यूक 125 की, लेकिन ओवरऑल अगर देखोगे तो ब्रेकिंग इतनी भी बुरी नहीं है कि मतलब ये एक डील ब्रेकर हो जाए मेरे लिए। सस्पेंशन सिस्टम इसका स्टिफ नहीं है, सस्पेंशन सिस्टम इसका प्लस है, तो मुझे सिटी में आसानी होने वाली है। कॉर्नर्स पे भी इतना बुरा नहीं है कि मुझे दिक्कत हो। देखो, अगर आप देखोगे ना 125 को, उसमें इतनी ज़्यादा पावर है नहीं बाइक में, इतना सस्पेंशन सेटअप स्टिफ होने की कोई ज़रूरत नहीं थी उसमें, लेकिन उसमें है, तो वो मुझे थोड़ी सी दिक्कत की बात लगती है। या तो बाइक में पावर होती है अच्छी खासी तो समझ में आता है कि हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ब्रेकिंग में सस्पेंशन सेटअप यूज़ होता है काफ़ी अच्छा खासा, लेकिन मेरे हिसाब से जो ओवरऑल पैकेज है सस्पेंशन और ब्रेकिंग का, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सही है। क्योंकि आप 150 cc की बाइक ले रहे हो, 125 cc की बाइक ले रहे हो, तो मेनली आप सिटी में यूज़ करने वाले हो, छोटे मोटे टूर के लिए यूज़ कर सकते हो, तो उसके लिए MT15 अच्छी बाइक है। तो ये तो मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है, अब आपका मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप मेरे वर्ड्स पे जाना चाहते हो तो MT15 हैंड्स डाउन अच्छी बाइक है एज़ कम्पेयर टू ड्यूक 125। और बाकी आप तो फिर टेस्ट राइड कर ही सकते हो, यामा के शोरूम भी हैं, KTM के शोरूम भी हैं, तो आप टेस्ट राइड करके पता कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी बाइक बनी है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दो। टिल देन राइड सेफ, आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।